हेलो भाई, और उन पवार इंट्री अपने खेतों पे डोल रहा है भाई। ये खुशखबरी लेके आपके पास आज आया हूँ मैं। जरा खेतों पे इसलिए आया हूँ भाई क्योंकि मैं यहाँ रोटी देने आया हूँ, और एक बहुत मोटी खुशखबरी। सबसे पहले तो भाई कोई नजर मत लगाना, ऐसी वीडियोस पे नजर बहुत लगती है। अब लगाओ नजर। अब हमारा बच्चा बहुत एक्साइटेड हो रखा है क्योंकि मजा यही लेगा आने वाले टाइम में इसका, हम तो क्या ही लेंगे। तो जरा पहले घर वालों की रोटी टूक दे देता हूँ। चल लेंगे, पहले मैं तेल भरवाने चले गो। अब पकड़ने क्या करेगा ये, यही में ही है ना टप्पन विप्पन। ये तो वह अपने पल्लर वल्लर लेने आई है। यहाँ पे ले जाएगी ये, वो रास्ता खराब है। यही तो अभी भाई मैं आपको पूरा बताता हूँ, अपना पूरा सिस्टम बिठाता हूँ पूरा। पहले मैं एक हल्ला मामला सेट कर दूँ। पाप ने वो कह रहे हैं पैदल पैदल यू पर हो ना, ये भैया शॉर्टकट है। परातीन, झाड़ू, पानी की बोतल। हाँ घनो यही होता। चलो इंडेवर का मजा लेते हैं जरा। मट टेरेन का भी दुबई का सुन कहां करता है। तो डायरेक्ट चली जाएगी, छोरा के लग जा बस। तो कीच सी दिख रही पूरे ना फंसेगी ना। ये तो वैसी है सॉलिड सूखी है। तू कौन सा खेत जमन गाड़ी चलाई चलो। बड़ी गाड़ी का यूज कर रहा है कहीं का चल रही किसको खेत है। यू देख लो कैसे रोड्स पे इंडेवर चला रहा हूँ मैं। देख रहे हो जरा मेरी गाड़ी और गाड़ी तो बैठ जा पर टेरन को सूखना है। बैठेगी ना ना जी, मतलब ही ना। यू गाड़ी भी बैठगी तो और कौन सी गाड़ी निकलेगी यहाँ से। गाड़ी तो कूद जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। ले भाई पहुंच गए हम लोग, पर हमारी डेस्टिनेशन ये नहीं थी। हम तो ये ओल्ड वुमेन को छोड़ने आए थे यहाँ पे। ये इनकी ये रास हो रही है। रास समझते हो आप, गेहूं वो जो होते हैं यार, सॉरी धान चावल निकलते हैं जो वो वाला सिस्टम। ये झाड़ू भाई ये सब यूज में आता है इसके। सी पूरी यंत्र आप देख रहे हो ना इसके। चलो मैं जा रहा हूँ। नो जी बैठ बैठने का क्या ये क्या। चलो भाई अपना इसमें से निकालते रहेंगे। ये इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर एंड आई डोंट हैव वेरी इंटरेस्ट इन फार्मिंग एंड ऑल दिस। बहुत लोगों का शौक रहता फार्मिंग, बट मेरा नहीं है यार, मुझे इतना कुछ खास इसमें इंटरेस्ट आता नहीं है। तो हमारे जो घर वाले हैं यही लगे रहते हैं इनमें। तो अब जैसे आज दिनेश अपना वो बेच के आया धान वान, 2600 बता रहा था क्या, 2600 रुपये क्विंटल ये रेट चल रहा है हमारे यहाँ। वो भी लड़ लड़ा के, नहीं तो 2400 दे रहे थे ऐसा कुछ। तो अब ये यहाँ पे करवाते रहेंगे। मैं जिस मेन मुद्दे के लिए आया था वो आपको दिखाता हूँ। आए तो खैर रोटी देने के लिए था पापा की, पर लगे आता हूँ ये बुढ़िया बुढ़िया और को ले आया। दिखाऊँ क्या कैसे करते हैं, दिखा दूँ थोड़ा लिटिल लिटिल सा। देखो जैसे ये इसमें धान हुए हमारे, ठीक है, धान डूब गए थे वो इन्होंने काट दिए जो लेबर है। अब ये काट के इन्होंने ये उसमें पेड़ों में से ये दाने अलग कर लिए। अब इस मशीन में जाके वो राइस निकल जाएंगे, समझ गए बाप। ये पूरा वो जो घास फूस जलाते हैं वो सिस्टम रहता है। अभी इनको सेटअप करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, अपन के पास इतना टाइम है नहीं मेरे और ओजस के पास। ओजस से हाय, ओजस से हाय। रेहटू रेहट आ गया। अभी ओजस भाई 9 मंथ्स का है ना, इसलिए इस पर ज़्यादा ये बोलता बोल मतलब क्या ही बोलेगा। अब ये 9 महीने का ही हुआ, जैसे जनवरी में इसका बर्थडे मनाएंगे अच्छा सा कुछ। ये मोहित का है ये इस खेत में, और मैं तो लीक बनाया ढंग की। चलो भाई अब मैं आपको पूरा सीन समझाता हूँ। नाउ फादर गोज, नाउ आई विल कंटिन्यू। तो एक चीज़ देखो, ये हमारा गांव है, ये हमारा फार्म है, पवार्स फार्म जो आपने देखा होगा। ये मेन रोड है, ये देख रहे हो ये वाला जो इको बीको से आ रही है, ये मेन रोड है। तो अभी तक क्या था भाई, हमारे जो खेत थे ना केवल, एक मिनट रुक जाइए अरे, वो केवल यहाँ तक थे। यहाँ एक गाड़ी खड़ी है जिस खेत में, और ये जो है ये यहाँ तक था।
पूरा सीधा सीधा कोटरा भी नहीं था अपना, तो इसमें ऐसे घास फूस थी, वरना तो हमारा पता आपको किसान जिम्मेदार आदमी दिनेश पवार अगर अपने होते तो कहीं छोड़ता। अब मालिक की दया लगा लो, हमारे एंसेस्टर्स की देन लगा लो। घर वाले बना करते हैं ये सब चीज़ मत डाला, मैं कहा छोड़ो ना, दिखानी भी चाहिए ना लोगों को। मतलब कई बार लोग बड़े हल्के से में लेते हैं, कुछ भी आए दाएं दाएं तो कुछ भी देते हैं। तो ये देखो, ये हमारे थे, ये खेत रहा, ये रहा जो मेन रोड था, ये अपने ही थे। तो इस तक थे केवल, है ना, ये जो बॉर्डर देख रहे हो ये नहीं थे अपने पास। ये कोठरा वाला खेत हो गया, इसमें ऐसे घास फूस थी। तो इस सब में क्या ना कीकड़ उग रखी थी, ये पूरे में कीकड़ ही कीकड़ थी। तो ये जेसीबी आज से नहीं चल रही, जब मैं लद्दाख घूम रहा था तब से चल रही है। तो ये पूरी कीकड़ हमने उखड़वा दी। अब मैं बता रहा हूँ हमने क्यों उखड़वा दी वो बता देता हूँ भाई। ये पूरे ना 9 किला थे, ये हो गया, इससे अगला हो गया, ये आपको साफ दिख रहा है, ये भी अपने। तो ये जानकर मतलब आपको बहुत हर्ष होगा भाई, हर्ष तो बस केवल सच्चे भाइयों को होगा, हेटर होंगे उनके तो वो होगी, खैर जो जिसको जैसे लेना है लेना भाई। पर ये खेत अपने हो गए भाई, 9 खेत हैं ये पूरे के पूरे, टोटल कम्प्लीट। ये अब अभी हुए, मतलब अभी रजिस्ट्री हुई इनके थोड़े दिन पहले ही। ये देख लो, इसमें कीकड़ फीकड़ है सारी, इसमें उग रखी थी, मतलब एक तरीके से पूरी बंजर जमीन थी। और मेन रोड से एक खेत पीछे है ये पूरा का पूरा, और हमारा फार्म यहीं से चमकता है, तो सोचो कितनी पास होगा। तो मैं ये सोच रहा है अगर ये पहले हम पे वो हो जाता, अरे तू रह तू, या एक तो यहाँ मैं लिया खामा खा, मैंने सोची कुछ घूमी आया कोई परो परो घर कहा करे, यहाँ तो मेरा वही कर दियो, तो भारी तो नहीं रहो मोटो खा खा के, इसकी भी नज़र लग जाएगी, मैं ही लगा देता हूँ, कर देता हूँ। तो भाई ये जो खेत है ना, ये सारे भगवान की दया से अपने हो गए, 9 खेत हैं पूरे। अब ये सब साफ होने हैं, ये जेसीबी लग रही है ना, ये हो गया, ये हो गया, इसके अगले वाला जिसमें बाइक वाइक देख रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, अभी जिसमें वो चली गई है वो हो गया। तो 9 की एक किले का मैं बता दूँ 4800 गज होता है एक किला, मतलब 4800 गज, तो 4800 इंटू 9 कर लो, इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हम, ओजा सर ये सब हम सारे भाई। तो मैं इसलिए बोल रहा था हम तो क्या ही मजा लेंगे इनका, ये लेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे गुड़गांव से और सोना से हमारा ये 7 किलोमीटर दूर है, यहीं आनी है सारी वो डेवलपमेंट जो है। आज से अगर हम बने रहे, हमारा आपका साथ बना रहा, तो 4-5 साल बाद मिलेंगे। और ये जो ज़मीन आप देख रहे हो, जैसे एकदम गुड़गांव बदल गया ना, ऐसे हम आपको ये पूरा एरिया बदलता हुआ दिखाएंगे, पूरा A to Z। अभी आपको ये बंजर ज़मीन दिख रही है, यहाँ पे खड़ी हमारी फोर्ड एंडेवर दिख रही है, तब मालिक ने चाहिए तो पता नहीं और क्या खरीद लेंगे भाई। मेरे को वर्क करने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ पे, देखो कैसे सांस फूल गई इतने से में। तो ये सारा साफ होगा, इसमें अब खेती करा करेंगे, पहले अपने नहीं थे तो भाई अब कैसे खेती कर सकते थे, अब अपने हो गए। तो दिनेश इनको बहुत दिन से बनाने में लग रहा है भाई, अब इनको जोतेंगे, कल्टीवेटर और वो भी नहीं लेके आए हम, इसीलिए आपने आकाश के व्लॉग में देखा होगा कल्टीवेटर हैरो ने सब नई चीज़ लेके आए हैं, क्योंकि अब इनको बनाना है, 9 किले कम नहीं होते, इनमें धान वान बोएंगे, गेहूँ बोएंगे। वैसे तो बंजर हो गई होगी ज़मीन, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं बो रहा था जिसका पिछला ओनर था, कुछ भी उसने ऐसे ही पड़े रखे थे। तो अब ये हमको मिल गए, तो हम ठहरे किसान, अब हम तो भाई ढंग से जोतेंगे बोएंगे। चलो और ब्रीफ देता हूँ भाइयों की, ये खेत की हालत पहले पता कैसी थी, कैसी थी ऐसी, ये ऐसी इसमें ये क्या बोलते हैं आपके वहाँ, ये पेड़ को अलग बोलते होंगे कांटे वाले को, ये उग रखी पूरी कीकड़, पहले ये कटवाई है लेबर वेबर से पूरी, क्योंकि ऐसे भी जेसीबी ऐसे टोटल नहीं चल सकती। कटवाने के बाद अब इसमें ये सफाई हो रही है, मतलब इसको इकट्ठा कर करके फिर ये खोचा में भर भर आके, 3 दिन से नॉन स्टॉप चले जा रही है मशीन भी, इनके भी 900 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हमको पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे इसको एक जगह कर करके कर करके जब ये ऐसे एकदम लैंड साफ से हो जाएगी, उसके बाद इसको जोत वोएंगे मतलब ऐसे। और हमें बड़ी खुशी है हम फार्म साइड बढ़ गए भाई, अगर पहले मिल जाते ना, मैं सही बता रहा हूँ अपने फार्म ना किसी ऐसे एक खेत में बनाता पूरे में, इसमें जब देखते दुनिया जब मज़ा देखती कि वाह क्या शानदार चीज़ लड़के ने बनाई है। खैर अभी बढ़िया है भाई, अब भी उसको एक्सपेंड करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, पापा डिले कर रहे हैं, लेबर वहाँ जा रखी है, यहाँ जा रखी है, ऐसे कह कह के। ये भी है, ये इसके पीछे वाला भी साफ़ होना है, ये पूरा ये वाला है, ये भी ऐसे ही साफ़ होगा पूरा, एक साफ कांटे घुस गए रेड टेप में, देखो कितना मोटा कांटा घुस गया मेरे पाम में, लग जाता तो बताओ मेरे क्या होता। तो काट भाव जल्दी काट, धान काट। तो ये देखो भाई, ये भी हमारा है, इसको अभी साफ करवाएंगे। अभी देखो ऐसे दिखता है ना काम देखने में, तो यार ये कैसे साफ होगा, ये खेत सा तो लग ही नहीं रहा, कैसा बीहड़ सा दिख रहा है, बट होएगा, आपको आने वाले वीडियोस में अपडेट करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं हो जाएगा तो बता देना, याद रखना आप, ठीक है, ऐसा हो जाएगा पूरा। चले मोटे
चल आजा धूप पर चलते हैं। चलो अब चलता हूँ भाई, ये अपनी धरती है यार, कितना प्राउड फील होता है कहने में। भाई आपको एक बात बताता हूँ, जैसे जो भाई अभी पढ़ रहे हैं, जिनका कुछ करने का जिंदगी में एम है भाई, पैसे कमाओ पैसे, ये दुनिया पैसे के पीछे पागल है। आप कल को किसी लड़की का हाथ मांगने भी जाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, बस खेत कितने छोरा पे, और उसके बेसिस पे मतलब आप जज किए जाते हो मेन। तो पैसा कमाओ इतना कि पब्लिक आके खुद आपका वो सिस्टम देखे कि हाँ कुछ है, वरना ना दुनिया अपने घमंड में चू रास की तारीख में। अगर किसी के पास कुछ भी है ना, ना कोई इस दुनिया में आजकल कोई इंसान का दिल देखता, नेचर देखता, कुछ नहीं देखता, खेत कितने बंदे पे ये देखता है, बंदा वीडियोस में कैसे बात कर रहा है ये देखते हैं। ये दुनिया बहुत जालिम है भाई। पर्सनल कुछ दिल की बात आप लोगों के साथ सोचा शेयर करता हूँ। बस जिस पे पैसा है उसकी दुनिया है, नहीं तो ऐसी बालक ऐसे ही रहे हैं क्या सबके। मैं तो कसम था पहली बार यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लिया कि चलिए घुमा लाऊँ, मेरा मन लग जाएगा 1 किलो तो कहाँ रोटी देने जाऊँ। एक चीज़ हो रहा है, जैसे हमने खेत लिए हैं अभी अपने एरिया में, ये पूरे अभी मैं आपको बता दूँ, ऐसे घमंड नहीं कर रहा बाबा जी, चलो कर भी रहा हूँ जिसको जो मानना है। चलो मैं और ओजस गाड़ी के पास आ गए हैं, थोड़ी फुर्सत में बतरा लेते हैं। पता नहीं वीडियो लंबी हो रही है क्या हो रही है, ज़्यादा भावनाओं वाली हो रही है, पर कोई कोई वीडियो होनी चाहिए दिल से। तो मैं कह रहा हूँ किसी से पूछ के देखना, इंट्रीगाम सोना क्या रेट चल रहा है ज़मीन का, मतलब ऐसे ही एक खेत आपको ख़रीदना हो तो कितने का है उसका आपको आइडिया मिल जाएगा। हाँ ये मत कि किसी से पूछ लिया बस उस पे चले जाओ, 25-25, 30-30, 45-50-50 लाख रुपए के खेत बैकवर्ड में होड़ल साइड ब्रिज साइड बहुत मिल जाए यूपी साइड। तो यहाँ का रेट पूछ के देना जब पता चलेगा, हम चाहें तो ये 9 किलाओं को यहाँ छोड़ के कहीं और भाई 20-25 खेत आराम से आ सकते हैं, अगर नाम करना होता है कि इतने किला हैं। जहाँ रेट बढ़ना है प्रॉपर्टी का, आज 4-5 साल बाद देखना क्या रेट, 4-5 साल भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, देखना क्या रेट होना है इधर, हर महीने कैसे रेट बढ़ रहे हैं ना। अब एज ए इन्वेस्टर जब मैं देखता हूँ, मुझे ही पता है ना भाई, जो खेत हमको पहले 2 साल पहले मुझे 52 लाख का मिल रहा था जो मैंने नहीं ख़रीदा, आज वो जब 95 लाख रुपये का बिकता देख रहा हूँ मैं, तब इतना दिल पर दर्द होता है ना कि यार क्या गाड़ी घोड़ाओं के चक्कर में पड़ गया था उस टाइम, थार वार के कैश लेके आया था, वो ले लेता तो बड़ा बढ़िया रहता। यूँ छोरा पागल है वो, आज के बाद बेटा तो लिया है ना जब तो बता दूंगा, बात भी ना करें दे रो ढंग से। तो मैं कह रहा हूँ भाई पैसा कमाओ, मौज काटो, कुछ ना दरा दे इस दुनिया में, पढ़ो लिखो मस्त, नोट छापो, नोबडी केयर्स अबाउट एनीथिंग, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने क्या हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पैसा है गांधी जेब में है ना, सब तुम्हारा है, नहीं तो कुछ भी तुम्हारा नहीं है। आज के लिए ज्ञान बहुत हुआ, गाड़ी करो अनलॉक या ना कीलेस एंट्री होना है, अब वो समझ आवे जैसे चाबी जेब में है, अब बालक मेरे हाथ में, पहले एक उससे वो निकालो, तेरी फांस काटू, चल रहा तू कहाँ ले घर जाकर, तू एक तो बोले भी तो ना है, पता ना कहाँ चाहिए, बैठ तू आराम से, ठीक है आराम से बैठ, अब तेरा एसी चला रहा हूँ, गर्मी लग रही होगी तो नवा, वैसे जुकाम मेरे भाई, आजकल के बालक ऐसे बिगड़ गए हैं, एसी में तो सो में है ये, हम पंखान में सोए करे, फिर थोड़े टाइम बाद कूलर आ गए, फिर मेरे आकाश की कूलर पर लड़ाईबाजी की आगे कौन सोएगा। और आजकल ये मस्त एसी के ऐसे चुसक्कर है रखे भाई, आजकल एक दिन लाइट चली जाए ना तो हम बार तो आराम से, कि कोई बात नहीं एक आध दिन पंखा में सोना चाहिए, कहीं ट्रिप व्रिप पर निकल जाए, ये ठोंडा नवाब है ऐसे आजकल के बालक, रो रो घर भर दे भाई, यू रो रो के कि हाय हाय गर्मी गर्मी गर्मी, मतलब बोलता तो नहीं, वो फील हो जाता है ना किस लिए बुकरा रहा है, क्यों हमेशा से एसी में रहा है, गाड़ी में तो एसी, बट ठीक है भैया मजा आए इनके, आने वाले टाइम में बहुत मौज काटेंगे ये, हमको पता है अगर ये सही राह पे चलते रहे तो। अब भाई अगर हमारे बाप दादा ने खेत बेच दिए होते मौज के चक्कर में, जैसे आजकल बहुत लोग कर देते हैं, हम ही कहा ले लेते, आज वीडियो थोड़ी बना रहे होते ऐसे हवाबाजी करते हुए, ये कोटरा भी हमारा हुआ, अब पहले हमारा नहीं था, अब ये कमरा भी हमारा है, किसी भाई को कोई मीटिंग वीटिंग करनी रहा करे, कोई बुकिंग वुकिंग करनी हो तो ये सोनामेंट रोड के पास ही अपन नहीं है, इसमें आ जाना, इसमें आराम से इंजॉय करना, लटकना लटकना, बस कोई गलत काम मत करना, आके इंजॉय करो ठीक है, या आपके भाई का ही है, आप कोई बोले तो उसको दिखा दियो, रजिस्ट्री के पेपर चेक कर ले किसके खेत हैं ये, उसको बता दियो, ये फ्रंट के और मिल जाते तो मज़ा आ जाता, पर भैया फ्रंट का रेट बहुत ज़्यादा है यार, ये रोड बिल्कुल टच है, रास्ता जा रही है, ये तो अपना था ही पहले से ही, इसमें हमने एक बार थार वो घुमाई थी 700। हाँ तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, क्या कह रहा था मैं यार, यहाँ बहुत डर लगता है मुझे गाड़ी चढ़ाने में ना, क्यों ब्लाइंड स्पॉट है एकदम, और यहाँ भी
कौन आ जाए एकदम से छपरी स्पीड में, छपरी नहीं मतलब नॉर्मल भी, जैसे टम्पू आ गया हो। अब भाई भगवान, हे भगवान, मुझे बड़ा नाम ले ले चढ़ाना पड़ता है। चलो बच गया आज, पता नहीं मैं क्या कह रहा था, कुछ मिस हो गया मैं। बहुत अच्छा यो भाई, मट टेरेन का कमाल देखो, देखो मट टेरेन कितनी मट्टी छोड़ते हैं ये देखो। अब मैं इसको भगा रहा हूँ ना, जब दिखेगा आपको देखो। ओ भाई तो गाड़ी सान दी पूरी हमारी भाई। कोई इस दुनिया में ये नहीं देखता कि आपने कितना किया है खुद से अपनी मेहनत से, तो ये देखता आपके बाप दादा आपको कितने दे गए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक आप कित क्या हो, आपने क्या कमाया ज़िंदगी में, नो बड़ी केयर्स। बट आपका पीछे का दिया हुआ कितना है, आप कितने रहीस हो खानदानी, वो मैटर करती हैं चीज़ें। जालिम दुनिया, मतलब ही दुनिया से दूर चले जाते हैं। चलो लद्दाख दोबारा चलते हैं।